हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन प्रमोशन 40 की 22 नंबर क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। देखो, जो 21 नंबर क्लास थी कल नेटवर्क इशू आ गया था, इसके कारण हम अपलोड नहीं कर पाए, अपनी क्लास को लाइव अटेंड नहीं कर पाए। पर मैंने उस क्लास को बाद में रिकॉर्ड कर लिया था, अभी लाइव तो नहीं आ पाया था, मैं उसको रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक है, आज ही के दिन अपलोड कर दी थी। तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना, अभी उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने वैसे शेयर भी करवा दी थी, अभी कुछ एक घंटे पहले मैंने अपलोड करवाई थी, क्योंकि आज की 22 नंबर क्लास है उसको लेना फिर ज़रूरी था। तो 21 नंबर क्लास है वो आपको अपलोडेड वीडियो के रूप में मिलेगी, पर हाँ, मैंने रिकॉर्ड भी इस तरीके से की थी कि आप लाइव तरीके से आप चलो। मैंने बोला था हाँ, जल्दी से आंसर दीजिए, लाइव क्लास में आंसर दीजिए, ताकि देखो आपको ये फील ना हो भी हम बाद की वीडियो देख रहे हैं। नीचे आप कमेंट के अंदर आंसर दे सकते हो उस क्लास में, ठीक है, पर आप पीछे की जो क्लास थी 21 नंबर क्लास उसको ज़रूर देखना है अभी, क्योंकि उस क्लास से पक्का एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी से आगे 22 नंबर क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो कि अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और वो लास्ट एंड पर चल रहा है अभी। कभी भी आज की क्लास में या कल की क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा कन्फर्म ही परसेंटेज टॉपिक। ठीक है, कोशिश करेंगे हम आज की क्लास में एंड करने का, बट हो सकता है आज की क्लास में न होकर कल की क्लास में हो जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है जी। ठीक है, चलो अब हम अपनी क्लास को है वो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी ये जो क्लास है वो 22 नंबर क्लास है जी। कौन से नंबर क्लास है सर? 22 नंबर क्लास है। इस 22 नंबर क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करूं, मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था 21 नंबर क्लास में चुनाव से रिलेटेड, चुनाव पर आधारित प्रश्न हम कर रहे थे। ठीक है जी, चलो उसी से मैं आगे कंटिन्यू प्रश्न लिखता हूं। आगे का क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। प्रश्न है मेरा नेक्स्ट, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उसके बाद है जी प्रश्न मेरा, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, दस प्रतिशत जो मत है वो क्या कर दिए सर? अवैध घोषित कर दिए। और जीतने वाले को वेद मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, 60% मत प्राप्त हुआ और वह 180 वोटों से विजयी घोषित किया गया या जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ये प्रश्न आपको बताना है, भी जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न है जी, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और 10% मत क्या कर दिए गए सर? अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वाले को वेद मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, आपसे पूछा गया सर, और वह 180 वोटों से जीत गया। आपसे क्या पूछा गया इसमें, तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत थे, ये आपको इस प्रश्न में बताना है भाई। तो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी। हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। शाबाश, जल्दी से दीजिए, वेरी गुड। चलो देखो, अवैध घोषित का मतलब क्या होता है सर? देखो,
अगर मैं एक चुनाव की बात करूं, टोटल मतदाता कितने होते हैं? मतदाता का मतलब होता है वोट देने वाले, तो हमेशा 100% होते हैं। कितने होते हैं सर? 100% होते हैं। टोटल मतदाता कितने होते हैं सर? 100%। इसमें कोई डाउट नहीं है सर। में इसने क्या बोला सर? 10% मत अवैध घोषित कर दिए। ये अवैध का मतलब क्या सर? अवैध का मतलब है इनवैलिड। जैसे आज के टाइम में तो मशीनों से वोट डाला जाता है, बट पीछे के टाइमों में क्या होता था, वो एक मोहर होती थी, और मोहर यानी कि ठप्पा लगाना होता था जिससे भी हम वोट देते हैं, तो उनमें से कुछ इनवैलिड हो जाते थे। उसका रीजन ये होता था कि मान लो दो, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है, और ठप्पा बीच में लग गया। अब न तो वो ऊपर वाले के काउंट कर सकते हैं, न वो नीचे वाले के काउंट कर सकते, तो इस तरीके से यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वोट तो डाला गया है, वोट तो डाला गया बट वो किसी के पक्ष में भी नहीं जाए, किसी भी पक्ष में नहीं जाए, उसे हम बोलते हैं सर अवैध मत, यानी कि इनवैलिड मत, जिनको हम घोषित यानी कि जिसे हम विजयी घोषित नहीं कर सकते, किसी के पक्ष में काउंट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, हमने मान लिया टोटल वोट थे सर 100। सबसे पहले हमने क्या किया सर? सबसे पहले हमने मान लिया टोटल वोट थे 100, यानी कि कुल मतदाता कितने थे सर? 100 थे। 100 के 100 ने वोट डाला। अब 100 में से क्या हुआ सर? 10%। 100 में से 10% क्या हो गए सर? अवैध घोषित हो गए। तो मेरे को 100 का 10% बताना भाई, 100 का 10% बताना। तो आप बोलोगे सर 100 का 10% 10 होता है। हमेशा एक बात याद रखना, 100 का चाहे कितने भी प्रतिशत पूछे, वो नंबर में भी उतना ही होगा। आपसे पूछे सर 100 का 37% बताइए, तो बेटा जी आप क्या बोलोगे? सर 100 का 37% 37 होता है। सर 100 का 40% 40 होगा। 100 का 78% 78 होगा। तो 100 का 10% कितना होगा सर? 10। यानी कि 10 जो वोट थे वो काउंट नहीं किए गए। कौन से वोट थे सर? जो इनवैलिड वोट थे सर। कौन से वोट थे सर? इनवैलिड वोट थे। कौन से वोट है सर? इनवैलिड, यानी कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो 100 में से 10 तो काउंट ही नहीं हुए, तो बताओ टोटल काउंट कितने हुए सर? 90। यानी कि इन 90 वोटों को काउंट किया गया। इन 90 वोटों को क्या किया गया सर? काउंट किया गया। क्या किया गया सर? काउंट किया गया। अब इन 90 वोटों में से ये 90 वोट कौन से सर? वैध मत है, वैलिड वोट है सर। वैध का मतलब जिनसे हमें काउंटिंग की गई है। इन 90 वोटों का 60% मत प्राप्त करता है। कौन मत प्राप्त करता है सर? जीतने वाला। यानी कि 90 का 60% किसे मिला? 90 का 60% किसे मिला सर? जीतने वाले को मिला। 90 का 60% किसे मिला सर? जीतने वाले को मिला। तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए 90 का 60%। तो बोले सर 90 का 60%। सर प्रतिशत हटाया, बटा में 100 लगाया। सर 20 से 20 कैंसिल हो गई। सर 9 × 6 कितना होता है? 54 होता है। यानी कि सर 90 का 60% आया 54 है। यानी कि 90 में से जीतने वाला 54 वोट ले गया। तो बताओ हारने वाले को कितने वोट मिले भाई? हारने वाले को कितने वोट मिले सर? बाकी बचे हुए वोट हारने वाले को मिले। ये तो सर विनर है, ये तो सर विनर है। लूजर को कितने मिले सर? सर लूजर को मिले 90 में से 54 घटा दीजिए, 90 में से 54 घटा दीजिए, तो कितना आया सर? 36। 90 में से 54 घटाया सर, आंसर आया 36, यानी कि 36। ये 36 वोट किसे मिले? जो दूसरा उम्मीदवार था जो हार गया। तो बताइए अपने अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता? अपने अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता? तो आप बोलोगे सर जीतने वाले को 54 वोट मिले, हारने वाले को 36 वोट मिले, अपने अकॉर्डिंग 18 वोटों से जीता गया। अपने अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता गया सर? 18 वोटों से जीता गया। अगर एक बात बताइए, अपने अकॉर्डिंग 18 वोटों से, बट पर्सन के अकॉर्डिंग 180 वोटों से। अपने अकॉर्डिंग सर 18 वोटों से, बट पर्सन के अकॉर्डिंग 180 वोटों से। हमें क्या पूछा है सर? कुल मतदाता। पर्सन के अकॉर्डिंग कुल मतदाता पूछे थे, बट हमारे अकॉर्डिंग तो सर 100 है कुल मतदाता।
तो बताइए क्या 18 को 180 बना सकते हो? तो बोलो जी बिल्कुल सर, इंटू 10 करके। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे सर, इंटू 10 करेंगे। 100 गुणा 10 क्या होता है सर, 1000। अगर आप इस तरीके से आंसर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो क्या करोगे सर, क्रॉस गुणा, क्योंकि क्रॉस गुणा क्या होती है, बराबर होती है सर, क्रॉस गुणा बराबर होती है। 18 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 100 गुणा 80, 180 सर, 18 एकम 18, 18 दाई 180 सर, क्वेश्चन मार्क का मान आ गया 100 गुणा 10 यानी कि 1000। क्या आ गया भाई, 1000 आ गया सर। क्या आंसर आ गया, 1000 आ गया। बोलो किसी को कोई डाउट, जल्दी से मेरे को बता दीजिए क्या किसी को इसमें डाउट है। प्रश्न क्या है, मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा जी, बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब होता है सर इनवैलिड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वोट तो डाले गए हैं लेकिन वो 10% वोट ऐसे थे जो किसी के भी पक्ष में काउंट नहीं किए गए, अवैध घोषित हो गए, जिनसे हम किसी को विजेता घोषित नहीं कर सकते। यानी कि 100 का 10% हमने टोटल वोट 100 मान लिए सर, कितने मान लिए जी, 100 मान लिए। अब 100 में से 10% तो अवैध हो गए, अवैध का मतलब उन्हें काउंट ही नहीं किया गया। तो बताओ कितने वोटों को काउंट किया गया, अगर 100 में से 10% यानी कि 10 वोट काउंट नहीं किए गए, किसी भी पक्ष में काउंट नहीं किए गए, तो बताइए मेरे को कितने वोटों को काउंट किया गया है, जल्दी से बताइए कितने वोटों को काउंट किया गया है। तो आप बोलोगे सर 90 वोटों को काउंट किया गया है। कितने वोटों को काउंट किया गया है सर, 90 वोटों को काउंट किया गया है। और अब आगे इसने क्या बोला है कि सर जीतने वाले को वेद मतों का, वेद मत का मतलब जो वोट काउंट में हुए हैं, जो वोट काउंट किए गए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं सर, वेद मत बोलते हैं, वैलिड वोट बोलते हैं, और वैलिड वोटों का 60% मत प्राप्त करता है। तो बताओ 90 का 60% कितना होगा सर, 90 का 60% सर, 90 का 60% हटाया सर, बटा में 100 लगा दिया सर, 20 से सर 20 कैंसिल हो गई, 9 का 6, 9 गुणा 6 क्या होता है सर, 54 होता है। इसका मतलब 90 में से 54 वोट कौन ले गया सर, जीतने वाला, कौन ले गया सर, जीतने वाला। तो बाकी बचे हुए वोट किसे मिले भाई, बाकी बचे हुए वोट किसे मिले, तो आप बोलोगे सर हारने वाले को बाकी बचे हुए वोट है वो मिले हैं। तो 90 में से 54 घटाएंगे, क्या बचा भाई, 36 बच गया। क्या बच गया सर, 36 बच गया। इसका मतलब हारने वाले को कितने वोट मिले सर, 36 वोट मिले। तो बताइए कितने वोटों से जीता होगा, तो बताइए कितने वोटों से जीता होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो 18 वोटों से जीत गया, क्योंकि इसके पास 18 वोट अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा है भाई, 18 वोट अपने अकॉर्डिंग सर एक्स्ट्रा है। कितने वोट एक्स्ट्रा है भाई, 18, कितने वोट एक्स्ट्रा है सर, 18, यानी कि 18 वोट ये अपने अकॉर्डिंग जीता गया है। बट एक बात बताइए, पर्सन में 18 की वैल्यू 180, 18 की वैल्यू 180 क्यों, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग सर 18 वोटों से जीता है, बट पर्सन के अकॉर्डिंग 180 वोटों से जीता है सर, पर्सन के अकॉर्डिंग 180 वोटों से जीता है। बोलो किसी को कोई डाउट, चलो ठीक है आगे बात करते हैं। प्रश्न में 18 की वैल्यू 180, बट हमें क्या पूछा है सर, कुल मतदाता अपने अकॉर्डिंग सर 100 की वैल्यू पूछी है। तो 18 को 180 बनाने के लिए केवल 10 से गुणा करना है, एक एक्स्ट्रा जीरो ही तो लगानी है, तो 100 की वैल्यू क्या जाएगी सर, 1000। इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट, जल्दी से मेरे को बता दीजिए क्या किसी को कोई डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो एक प्रश्न मेरे को करके दिखाइए। हाँ जी, एक प्रश्न जल्दी से मेरे को करके बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। एक प्रश्न और करके बताइए भाई जी आप। प्रश्न अपना, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है जी।
और 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। प्रश्न बोल रहा है दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया लेकिन 20% लोगों ने मत नहीं दिया, लोगों ने मत नहीं दिया, 20% लोगों ने क्या नहीं किया सर, मत नहीं दिया। और दिए गए मतों से या डाले गए मतों से जीतने वाले को 60% वोट मिले, डाले गए मतों का, डाले गए मतों का जीतने वाले को 60% मत मिले। उसके बाद इसने क्या बोला सर, और वह 160 मतों से जीत गया, और वह 160 मतों से जीत गया, और वह 160 मतों से जीत गया। तो कुल मत कितने थे, तो कुल मत कितने थे ये आपसे पूछा गया है भाई। जल्दी से क्वेश्चन बता दीजिए। प्रश्न ने बोला है एक उम्मीदवार, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, डाले गए मतों का जीतने वाले को 60% मत मिला और वह 160 मतों से जीत गया, तो बताइए कुल कितने मत थे, बताइए कुल कितने वोटर थे, कुल कितने वोट थे या वोटर यानी कि मतदाता थे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर दे दीजिए, शाबाश, जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दीजिए। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए जनाब, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से दीजिए भाई। हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ, आप साथ में आंसर देते रहें भाई। देखो सबसे पहले टोटल वोटों की बात है, टोटल वोट कितने मानोगे आप हमेशा, तो सर हम टोटल वोट मानेंगे हमेशा 100, कुल मतदाता हम मानेंगे हमेशा सर 100, कितने मानेंगे भाई हमेशा टोटल कुल मतदाता अगर मानने की बात आई हमेशा सर 100 मानेंगे, कितना मानेंगे भाई हमेशा सर 100 मानेंगे। चलो ठीक है जी, कुल मतदाता या वोट जो दे सकते हैं वो हमने 100 मान लिया, लेकिन स्टार्टिंग में क्या गड़बड़ हुई सर कि 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, टोटल वोट डालने वाले तो थे सर 100, पर 100 का 20% तो वोट ही नहीं डाला गया, तो मेरे को जल्दी से बताइए 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है, जल्दी से बताइए भी सभी 100 का 20% कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 100 का 20% होता है 20, 100 का 20% होता है सर 20, यानी कि 20 लोगों ने मत ही नहीं डाला, 20 लोगों ने तो मत ही नहीं डाला। तो बताइए अगर 100 में से 20% यानी कि 20 लोगों ने मत नहीं दिया तो बताइए कितने लोगों ने वोट डाला, तो आप बोलोगे सर 80 लोगों ने वोट डाला है, कितने लोगों ने वोट डाला है सर 80 लोगों ने वोट डाला है। अब आगे देखिए जी, जीतने वाले को 60% मत मिले, ये 60% सर किसके, तो डाले गए मतों के, तो डाले गए कितने मत थे सर 80, तो हमें क्या चाहिए सर 80 का 60% चाहिए, 80 का 60%, 80 का 60% चाहिए सर हमें, क्या चाहिए भाई 80 का 60%, प्रतिशत हटाया सर बटा में 100 लगाया सर, 20 से 20 कैंसिल हो गई सर, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 8 गुणा 6 8 छिके 48,
जीतने वाले को कितने वोट मिले? 48 वोट मिले। कितने में से मिले? सर 80 में से मिले। 80 में से 48 वोट तो जीतने वाला ले गया सर। 80 में से 48 वोट तो जीतने वाला ले गया सर। तो बताइए हारने वाले को कितने मिले? तो आप बोलोगे सर बचे हुए वोट मिले। और बचे हुए कितने वोट थे? सर 80 में से 48 माइनस करेंगे 32 वोट थे सर। ये 32 वोट किसे मिले? जो हार गया। तो बताइए अपने अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता? तो आप बोलोगे सर 16 वोटों से जीता है। अपने अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता है? सर 16। बट पर्सन में कितने वोटों से जीता? सर 160। 16 अपने अकॉर्डिंग बट पर्सन के अकॉर्डिंग 160। पर्सन में सर कुल मतदाता पूछे थे। अपने अकॉर्डिंग कुल मतदाता कितने होते हैं? सर 100 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 100 होते हैं। तो 100 की वैल्यू इसने पूछी है। 16 के आगे एक जीरो लगा दिया तो 100 के आगे भी क्या कर देंगे सर? एक जीरो लगा देंगे, 1000। यानी कि कुल मत कितने थे? कुल वोटर कितने थे? कुल मतदाता कितने थे? सर 1000 थे। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो क्या कीजिए जनाब? सर क्रॉस गुणा कीजिए। क्या करेंगे सर? क्रॉस गुणा। क्योंकि क्रॉस गुणा क्या होती है? बराबर होती है। 16 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 100 गुणा 160। 16 से कितनी बार कैंसिल हुआ? सर 10 बार। और 10 गुणा 100 कितना होता है? 1000 यानी कि 1000। तो हम बोलेंगे सर 1000 टोटल मतदाता थे, मत थे। बोलो किसी को कोई डाउट? इस तरीके से हम हैं इन प्रश्नों को भी कर सकते हैं। तो ये थे अपने चुनाव पर आधारित प्रश्न, यानी कि मैंने सभी का एक एक टाइप इसमें आपको बता दिया है भाई, ठीक है। चुनाव में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों की। अब हम किसकी बात करेंगे भाई? जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों की। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आपको 100% श्योर देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं परसेंटेज टॉपिक में, वो जनसंख्या पर आधारित कहाँ से पूछे जाते हैं सर? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं भी। याद रखना जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आपको श्योर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न है वो आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से एक प्रश्न लिखिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न लिखिए आप प्रश्न अपना जी। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। प्रश्न क्या है सर? किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5000 है और प्रतिवर्ष 10% की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो इसने पूछा है तो बताओ 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? तो बताओ 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? हाँ जी, जल्दी से मेरे को बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी, मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। हाँ जी, सभी के सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देखो हमेशा एक बात याद रखना, जनसंख्या वाले सवाल को हम 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं भाई, ठीक है। एक मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला मेथड,
और दूसरा मैं आपको बताऊंगा सर केजी मेथड। एक मैं बताऊंगा सर फॉर्मूला मेथड और दूसरा आपको बताऊंगा सर केजी मेथड। हम दोनों ही मेथड की बात करेंगे। अगर आपको बाद वाली जनसंख्या पूछे, कुछ वर्ष बाद की जनसंख्या पूछे, कुछ वर्ष बाद की जनसंख्या पूछे, तो आपको क्या करना है, वर्तमान जनसंख्या जो भी वर्तमान जनसंख्या इनटू में 100 प्लस माइनस जो भी अपने को दे रखी है, यानी कि वृद्धि दे रखी है x बटा में 100 और उस पावर n। अब बात आई सर ये x और n क्या है। देखो x का मतलब है जितने प्रतिशत दर दे रखी है अपन बढ़ने की या घटने की। अगर वृद्धि दे रखी है तो हम प्लस का यूज करेंगे, अगर कमी दे रखी है तो हम माइनस का यूज करेंगे। इसमें सर वृद्धि दे रखी है, वृद्धि तो प्लस का यूज करेंगे। एक्स का मान कितना है सर 10, और एन का मतलब क्या है सर कितने वर्ष बाद पूछा है इसने, कितने वर्ष बाद की इसने बात की है सर, कितने वर्ष बाद की बात की है सर इसने, कितने वर्ष बाद की बात की है उसका मतलब एन है सर। तो देखिए जनाब क्या करोगे सर, वर्तमान जनसंख्या 5000 इंटू में 100 प्लस 10 बटा में 100 पावर कितनी सर 2, क्योंकि इसने 2 वर्ष बाद पूछा है। तो बताइए आगे क्या करोगे सर, 5000 इंटू में 110 बटे 100 फिर इंटू में 110 बटे 100, क्योंकि दो बार क्यों लिखा, अभी पावर 2 थी इसका मतलब दो बार रिपीट करेंगे सर। देखो सर 20 से 20 कैंसिल होगी सर, इन 20 से ये 20 कैंसिल होगी सर, ये हो गया सर 11 गुणा 11 121 और 121 गुणा में 50, 121 गुणा में 50 तो 0 का 0, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60 यानी कि 6050। तो दो वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी सर, 6050 होगी सर, क्या होगी 6050 होगी। पर एक तो ये फॉर्मूला, अब इसी प्रश्न को आप केजी मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन केजी मेथड में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस दर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, इस दर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन का मतलब सर 10% का क्या मतलब होता है सर 1/10, 10% का मतलब 10/100, 10/100, 10% का मतलब 10/100, कितने बटे 100, 10/100, 10 से 10 कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 10, यानी कि 10% का मतलब सर 1/10 और 10 से वृद्धि बोल रहे इसका मतलब 10%, 10% का मतलब 1/10, तो 10 पर कितने की वृद्धि सर 1 की वृद्धि, तो कितनी हो गई सर 11, 10 से 11। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जनसंख्या कितने वर्ष बाद पूछी है सर, दो वर्ष बाद पूछी है, तो इसको आप दो बार लिखोगे, इसको आप दो बार लिखोगे, तो 10 से 11 वापस एक बार फिर 10 से 11, पहले 10 से 11 फिर एक बार और सर 10 से 11, क्योंकि वर्ष जनसंख्या हमें दो वर्ष बाद पूछी है सर। तो 10 गुणा 10 कितना हो गया सर 100, 11 गुणा 11 कितना हो गया सर 121, यहाँ पर भी गुणा यहाँ पर भी गुणा, इसका मतलब हमेशा एक बात याद रखना, ये होगी पहले की जनसंख्या और ये होगी बाद की जनसंख्या, ये होगी पहले की जनसंख्या, ये होगी बाद की जनसंख्या, ये होगी पहले की जनसंख्या, ये होगी बाद की जनसंख्या। आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया सर, बाद की जनसंख्या पूछी गई है, इसका मतलब अपने अकॉर्डिंग प्रश्न में क्या है सर 100, अपने अकॉर्डिंग आज की जनसंख्या क्या है 100, बट प्रश्न के अकॉर्डिंग सर 5000, 100 की वैल्यू सर 5000, हमें क्या पूछा है सर बाद, दो वर्ष बाद 121 की वैल्यू पूछी है सर। देखिए भाई क्या करेंगे सर, इनटू में 50 हो रहा है सर, 100 का 100 इनटू में 50, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे सर इनटू 50 कर देंगे, इनटू 50 करोगे 6050 आ गया सर। ऐसे समझ नहीं आता है तो सर क्रॉस गुणा करेंगे, क्योंकि क्रॉस गुणा क्या होती है सर बराबर, क्रॉस गुणा क्या होती है सर बराबर, तो 100 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 5000 गुणा में 121, 20 से सर 20 कैंसिल होगी और 121 गुणा 50 होता है सर 6050। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को है वो कर सकते हैं, ठीक है जी।
आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट। हमने क्या किया के जी मेथड के अंदर सबसे पहले फ्रैक्शन में बदला जनाब। क्या बदला सर? फ्रैक्शन में बदला। फ्रैक्शन में कितना होगा सर? 10% का मतलब होता है सर 1/10। 10% का मतलब होता है सर 1/10। तो 10 पर 1 की वृद्धि सर, 10 पर 1 की वृद्धि, तो 10 से 11, 10 से 11 कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा है सर इसने। सर इसने 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद पूछा है सर। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद पूछा है सर। इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, 10 × 10 हो गया सर 100, 11 × 11 हो गया सर 121। यानी कि अपने अकॉर्डिंग 100 वर्तमान संख्या कितनी है सर 100, 100 की वैल्यू 5000। बाद वाली जनसंख्या 121 वाली जनसंख्या इसने सर हमें पूछी है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर 6050 आएगा। क्या आएगा भाई? 6050 आएगा। बोलो किसी को कोई डाउट, जल्दी से बता दीजिए भाई। एक प्रश्न और कर लेते हैं और आज अपना ये टॉपिक है भाई कंप्लीट हो गया है। कोई पार्ट शायद तो नहीं बचा है, अगर कोई रह गया तो मैं देख लूँगा भाई। मेरे हिसाब से तो शायद नहीं रहा है, हो सकता है रह गया हो तो मैं एक बार पीछे सभी पार्ट में देख लेता हूँ भी क्या कुछ रह गया हो। मेरे हिसाब से तो नहीं रहा है, बट मैं एक बार और चेक कर लूँ, ऐसी बात नहीं है भाई। ठीक है जी, अगर कुछ रह गया हो, कोई पार्ट रह गया तो आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हो, मैं उसको करवा दूंगा। अब मेरा आगे वाला प्रश्न है कि किसी गाँव की वर्तमान जनसंख्या चौसठ हजार है, प्रत्येक वर्ष 25% की दर से कमी होती है, यानी कि घटती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 64,000 है, प्रत्येक वर्ष 25% की दर से कमी होती है या घटती है, तो बताइए 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो बताइए 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए सभी। हाँ जी, जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी, जल्दी से दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो आप लोग सर, अगर वर्तमान जनसंख्या 64,000 है, 25% की दर से कमी हो रही है, तो एक तो हमने फॉर्मूला बताया था सर, वर्तमान जनसंख्या 64,000 इंटू में सर कमी, तो 100 माइनस, कमी का मतलब सर माइनस, कितने की कमी सर 25 की, बटा में सर 100, इसकी पावर क्या लिखूँ सर 3, तो अपना क्या गया सर 64,000 इंटू में 75/100 सर, कितनी बार सर 3 बार सर। अब क्या करेंगे सर, 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल होगी, इस जीरो से सर ये जीरो कैंसिल होगी सर, ये दोनों नंबर 25 के पाड़े से कट हो रहे हैं, 25 × 75 2500 × 100 सर, सर 4 से ये कट हुआ कितनी बार सर 16 × 64 सर, ये आ गया सर 16 × 48 और इंटू में सर 75 × 75, तो 75 × 75 क्या होता है सर 5×5 = 25 और 7×8 = 56, यानी कि 75 को 75 से गुणा करोगे तो आप कैसे कर सकते हो, देखिए 75 की स्क्वेयर होगी सर, और जब भी आपको 75 की स्क्वेयर निकालनी हो, यानी कि एक ऐसी संख्या का वर्ग निकालना हो जिसका इकाई अंक 5 हो, तो आप क्या करो 5 का वर्ग डायरेक्ट 25 लिखो, और 7 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 8 आता है, तो 7 को 8 से गुणा कर दो 56 × 25, इस तरीके से आप डायरेक्ट है वो लिख सकते हो। अब क्या करना होगा सर, 48 को 5625 से गुणा करना होगा सर, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई लगभग शायद 27,000 आ जाएगा भाई, गुणा करोगे तो कैलकुलेशन में, ठीक है 48 × 5625 गुणा करोगे तो 27,000 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कैलकुलेशन में भी टाइम लगा सर, हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन में भी टाइम लगा, बट अगर मैं बात करूँ सर केजी मेथड की, केजी मेथड में आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा सर। कैसे सर? मैंने बताया था सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलो, तो 25/100 सर 1/4 सर, 4 पर अब की बार क्या होगी सर 1 की कमी, 4 से कितनी होगी सर 3,
कमी होगी सर, क्योंकि प्रश्न में कमी बोला है, तो चार से क्या हो गया सर तीन। लेकिन कितनी बार सर, जितने बाद वर्ष हमें पूछी है, जनसंख्या कितने वर्ष बाद पूछी है सर, जनसंख्या कितने वर्ष बाद पूछी है सर, तीन वर्ष बाद पूछी है सर, कितने वर्ष बाद, तीन वर्ष बाद, तो चार से तीन, फिर चार से तीन, तो आप बोलेंगे सर चार चौके सोलह, सोलह चौके चौंसठ, तीन तीये नौ, नौ तीये सत्ताईस, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वर्तमान जनसंख्या सर चौंसठ है, पर्सन के अकॉर्डिंग वर्तमान जनसंख्या सर सत्ताईस है, सॉरी पर्सन के अकॉर्डिंग चौंसठ हज़ार है, तो अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ सर चौंसठ है वो पर्सन के अकॉर्डिंग है सर चौंसठ हज़ार, अपने अकॉर्डिंग वर्तमान जनसंख्या सर चौंसठ, बट पर्सन के अकॉर्डिंग चौंसठ हज़ार, चौंसठ चौंसठ हज़ार, चौंसठ चौंसठ हज़ार, क्या बोलोगे सर, कुछ नहीं करना, तीन जीरो लगानी है, क्या पूछा सर, तीन वर्ष बाद, अपने अकॉर्डिंग तीन वर्ष बाद कितनी है सत्ताईस, तो क्या करेंगे सर सत्ताईस हज़ार कर देंगे, बताओ कितना आसान प्रश्न है, इस केजी मेथड से कितना आसान प्रश्न हो गया, ये जो प्रश्न इतना डिफिकल्ट आपको दिखाई दे रहा था, इसी केजी मेथड के द्वारा इस प्रश्न को हमने सेकंडों में सॉल्व कर दिया, क्या टाइम लगा इस प्रश्न को करने में, जी बिल्कुल भी नहीं सर, अगर केजी मेथड से करें तो इस प्रश्न को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम स्पीड से कर सकते हैं सर, हम स्पीड से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते सर करो सो गुणा कर लीजिए, चौंसठ गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर सत्ताईस गुणा चौंसठ हजार, सर चौंसठ से हजार बार कैंसिल हुआ सर, सत्ताईस गुणा हजार होता है सर सत्ताईस हजार, तो इस तरीके से हम सर वर्तमान जनसंख्या या तीन वर्ष बाद कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं सर, कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं, तो बोलो किसी को कोई डाउट जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या किसी को इसमें प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी हम इसको यहीं पर अपना टॉपिक का द एंड करते हैं भाई, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के लेक्चर में, नेक्स्ट एक परसेंटेज का लेक्चर और लेके आऊँगा, शायद इसके अंदर एक टाइप मेरे हिसाब से बचा है, वो देख लूँगा मैं टाइप कौन सा बचा है, पीछे के कौन कौन से टाइप मैंने करवा दिए हैं और बचा कौन सा है, ठीक है, प्लस में पीछे आगे की क्लास में पी वाई क्यू भी उठाएंगे भी, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड पीछे के आए हुए क्वेश्चन में वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और कल अपना परसेंटेज टॉपिक का नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा, फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी, तो आज के लिए अपने लेक्चर को यहीं पर दा एंड करते हैं, हाँ जी होमवर्क, होमवर्क के रूप में बिल्कुल जी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा भाई, जल्दी से होमवर्क के रूप में क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं है तो एक बार और देख लेना भी इसको लेक्चर को, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बाकी समझ आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी, प्रश्न अपना, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या बारह हजार पांच सौ है, प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो तीन वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, एक तो ये हो गया सर, दूसरा है ये दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20 प्रतिशत मत अवैध घोषित हो गए, 20 प्रतिशत मत अवैध घोषित हो गए, और वैध मतों का 60 प्रतिशत मत जीतने वाले को प्राप्त हुआ, और वह सोलह सौ मतों से जीत गया, तो बताइए, तो बताओ
कुल कितने मतदाता थे? तो ये दो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के रूप में भी, आप इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दोगे सभी, ठीक है जी। तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर दा एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट के लेक्चर में परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।